अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला रे। हाँ इसको पहले मार ले। अरे क्या कर रही है, जल्दी करना जल्दी। हाँ फुर्ती कर। हाँ ये ठीक है। हाँ जरा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। हाँ जल्दी से उसे गूंथ भी लो, जल्दी करो। नमस्ते मास्टर जी। वाह बढ़िया। अरे मास्टर जी नमस्ते। अब ये स्कूल में कहाँ मिलेंगे, असली काम तो इस स्कूल में चल रहा है कि नहीं? इतना समझाने का कोई लाभ नहीं, जो होना है वही होगा। नहीं मास्टर जी आज वो जरा दिक्कत हो गई थी बस इसीलिए। दिक्कत किसे नहीं होती, लेकिन इंसान उसमें भी हल निकाल ही लेता है। तुम्हें इतना समझाया फिर भी वही गलती। अरे भाई तुम्हारा जो होना था हो गया, इन बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, उनको स्कूल भेजो। अरे ये दो अक्षर पढ़ लेंगे तो दुनिया को ठीक से समझ लेंगे। अरे नहीं मास्टर जी, आपके कहने पर स्कूल तो जा ही रहे हैं, वो इधर जरा काम ज्यादा हो गया इसलिए उनको रोक लिया। दो चार दिन की ही तो बात है, ये वाला काम खत्म होते ही इनको क्यों रोकूंगा भला मैं। मेरी तो जैसे तैसे कट गई मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी ना बंद करूंगा मैं। अच्छा गाँव में इतना बड़ा काम आखिर तुम्हें दिया किसने? जी वो सोनचंद्र है ना, हमेशा मुझसे ही सामान लेता है, इस बार कुछ ज्यादा ही उसे चाहिए था। अच्छा वो तुमसे लेकर आगे बेचता है? और क्या, बेचेगा नहीं तो करेगा क्या। अरे तुम्हें पैसा तो ठीक ठाक मिल जाता है ना, वो सोनचंद्र लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है, तुम उसके साथ व्यापार कर रहे हो। पैसा दे ही देता है। देता तो है लेकिन कभी गिनते हो कितना देता है, पूछा है कभी? मैं इनसे हमेशा कहती हूँ कि वो आदमी ठीक नहीं लगता मुझे, उसके साथ लेन देन करने से पहले जरा सोच लो, लेकिन ये क्या मेरी बात सुनते हैं? बस हम तो खट्टे ही रह जाएंगे। एक रुपए का माल छियाने में बेच के बहुत स्याना बनता है वो, बड़ा स्यानापन दिखाता है। नहीं नहीं ये बात नहीं, अब जैसा चलता है वैसे चलने दीजिए मास्टर जी। ऐसे तुम कब तक बिना हिसाब किताब के घर परिवार चलाओगे, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। देखो समय एक जैसा नहीं रहता, तुम अगर दो अक्षर पढ़े होते तो अपने माल के सही दाम वसूल कर सकते थे। कहते हो जैसा भी है चल रहा है, ये तो मूर्ख वाली बात है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारा जो होना था हो गया, मैं तो कह कह के थक गया हूँ तुम्हें। अगर तुम इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करोगे तो ये तुम्हें एक ना एक दिन जरूर कोसेंगे। देखना एक दिन आएगा तुम मेरे ही पास आओगे। मैं चलता हूँ। बाबा अभी हम स्कूल जाएंगे। हाँ जाओगे, ये काम खत्म होगा तब जाओगे। चलो चलो काम करो, जाओ जा, जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अभी पकाना है, फिर रंगना है, और फिर कितना काम पड़ा है। जा जा मिट्टी ला दे जा। अरे कुनी की माँ ये सब धूप में डाल देना। हाँ जा। अरे रामा सोनचंद ने खबर भेजी है, उसे मिल लेना। हाँ हाँ जानता हूँ। अजी सुनो, वहाँ जा रहे हो तो कुछ पैसा लेके आना, घर में एक पैसा नहीं है। हाँ देखता हूँ जाके क्या होता है, तुम जाके इसे धूप में डाल दो जाओ। अभी मत सो बेटा, खाना खा के सोना। खाने को क्यों नहीं देती, तेरे बाबा आ जाएं। माँ देखना यहाँ लाल लगाऊं? जहाँ जो लगा है देख के लगा दे। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें दिक्कत थी तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई है? क्यों मेहनत करवाई, बीवी बच्चों से भूखे प्यासे मेहनत करवाई, अब मना कर रहे हो, कोई मजाक है क्या? समझ कर रखा है अपने आप को है? है? कुछ कहता नहीं हूँ इसीलिए। अजी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? Hey, चुप रहोगी तुम, अभी मेरा माथा गरम है। क्या हुआ है मुझे नहीं बताओगे?
क्या बताऊं तुम्हें, सोन चंद्र ने सामान लेने से मना कर दिया। ये क्या कह रहे हो, अब क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें लेना नहीं था तो मुझसे कहा क्यों? तुम्हें अगर मना कर दिया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुमने मुझसे कहा था तू ये सामान ले, नहीं लेगा तो जाएगा कहां? सियाना, खटा खटा के सारे परिवार को अधभरा कर दिया उसने, अब आके कहता है कि उसे सामान ही नहीं चाहिए। अरे वो मना करने वाला कौन है? तूने मुझसे कहा था तू ही सामान लेगा, अगर नहीं लेगा तो मैं थाने जाऊंगा। हाँ थाने जाऊंगा। अजी रात को इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम क्या उसका मुकाबला कर सकते हो? मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, मुझसे उल्टी सुल्टी बातें मत कर अभी, जा यहां से जा। तुम्हें मेरी सौगंध है, ऐसे मत करो, सुबह हो जाने दो फिर देखते हैं। रात को अगर सुई भी गिरती है तो उसकी आवाज कोसों सुनाई देती है, गांव वाले सुनेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। अजी देखो कोई आया है। और कौन होगा? वही होगा, सामान जाए भाड़ में, आज मैं उसे देख ही लेता हूँ। दे, दे मेरा डंडा, दे मेरी बात सुनो, दे डंडा, दे मेरा। क्यों बच्चों की तरह बातें करते हो? मेरा डंडा, छोड़ दो मेरा, मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, हटो तुम इससे, हटो, आज देख ही लूंगा। रामानंद, अरे क्या बात है, इतनी रात गए चिल्ला क्यों रहा है? हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे सुन तुमसे कुछ काम है, चल अंदर चल। बैठेगा नहीं? नहीं मौसा, वैसे ही ठीक हूं। ओ, तुम दोनों में शायद कुछ झगड़ा हुआ ऐसा लगता है। हाँ वैसे मैं बीच में पढ़ना नहीं चाहता, मैं क्यों आया था पता है? बेटे की सगाई हो गई गोपाल जी मंदिर में, मुहूर्त निकलते ही शादी है, हांडी बर्तन कितने चाहिए तो तू जानता ही है ना, ये ले पैसे रख, जल्दी से काम शुरू कर दे, कल से ही शुरू कर दे तो अच्छा है। नहीं मौसा, आप किसी और से करवा ले, मेरा मन ठीक नहीं है। तुम्हारा बढ़िया काम देख कर ही तो लोग तेरे पास आते हैं, शुभ कार्य में तो लोग घर आकर काम मांगते हैं और तू है कि मना कर रहा है? नहीं वो बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वैसे भी सुबह मुझे थाने जाना है। थाने क्यों, किस लिए? सोनचंद्र ने हमसे सामान के लिए कहा था, सारा परिवार भूखा प्यासा खटता रहा और आज मना कर रहा है लेने के लिए। कुछ पैसा दिया था? एक पैसा नहीं दिया। लिखा पढ़ी कुछ हुई थी? नहीं। थाने क्या खुद अंदर होने जाओगे? अन्याय करे वो, अंदर जाऊं मैं, ये कहां का न्याय है? दो अक्षर पढ़े होते तो मेरी बात समझ में आती, मूर्खों की तरह घर में बैठ के बकबक कर रहे हो, जाके देखो सोनचंद्र कैसे खाना खा के आराम से सोया होगा, वो बुद्धि वाला है या तू? बिना बयाना या बिना लिखा पढ़ी के तू राजी कैसे हो गया? ऐसे देखने से क्या होगा, जो होना था हो गया। हाँ सुन, मेरे बेटे का ससुराल हरदासपुर में है, वहां कल एक बहुत भारी मेला लगेगा, बाजार लगेगा, इतना सामान तो बना लिया है तुमने, आधे पैसे में उन्हें बेचने से तो अच्छा है सामान लेकर सुबह सुबह निकल जाओ यहां से, समझ गए? कुछ तो बिक जाएगा, बाकी बच जाएगा, बेकार ही चिल्लाने से क्या फायदा, समझ गए? ये लो बयान। हाँ मेले से वापस आकर मेरा काम शुरू कर देना, सुबह सुबह निकल जाना। जाऊंगा लेकिन रास्ता तो मैं जानता नहीं हूँ। उत्तरा चौक तक नहीं जा सकते? हाँ वहां तक तो पहुंच जाऊंगा। हाँ वही तो रास्ता है, चौक में किसी से पूछ लेना, बता देगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक, प्रणाम। ए जी क्या कहते हो, जाओगे या नहीं? चल बच्चों को उठा, खाना खाते। Thank you.
लो, इसमें सब कुछ है। अगर तुम्हें चावल खाने हो तो मेले में खा लेना, चिवड़ा गुड़ अचार सब है। ऐसा वैसा कुछ मत खाना, नहीं नहीं तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ पैसा होशियारी से रखना, किसी से झगड़ा वगड़ा मत करना। ओहो क्या मैं छोटा बच्चों जो इतना समझा रही हो। सुन शाम होते ही आगे पीछे दोनों दरवाजे बंद कर लेना, कोई कितना भी कहे खोलना मत, आजकल समय बहुत खराब है, मुझे आने में देर हो जाएगी। हाँ चलता हूँ। सुन कुनी माँ का कहना माना, रतन खा के सोना, पहले मत सो जाना। हाँ चलता हूँ। हाँ चल। सुनो मेले में इतनी सारी चीजें होंगी, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे क्या? क्या लाऊं? लाल जड़ाऊ कंगन ले आना, जिसपे सोने का पानी चढ़ा होता है। एक जोड़ी मेरे लिए नहीं लाओगे क्या तुम? हाँ लाऊंगा, तुम्हारे हाथ में अच्छा लगेगा। बाबा मेरे लिए गुब्बारा लाना, मैं उसे फोड़ूंगा। चुप, और कुछ नहीं कह सकता? जाते समय अशुभ बात मुझसे क्यों निकालता है रे? ओहो बच्चा है, उसका क्या है। मैं चलता हूँ, जो बताया उसका ध्यान रखना। हाँ। चलो रे चलो, जल्दी जल्दी काम निपटा के जाएंगे तो कुन्नी की माँ पेट भर चारा खिलाएगी तुम्हें। हाँ अरे देखा नहीं आते हुए कितनी खुश थी, कैसे चहक चहक के कह रही थी ये लाना वो लाना अमका लाना ढिमका लाना। रतन
देखो क्या लाया हूँ बाबा, मुझे दो, मुझे दिखाओ बाबा, मुझे दो ना बाबा, दोनों बाबा। देर, दोनों के लिए लाया हूँ। तेरा बाजा? नहीं, इसने कहा था बाजा और गुब्बारा, तूने जो कहा था वो तेरे लिए लाया हूँ, आलता और रिबन। चल जा खेलो, जा। अरे कुनी की माँ, ए कुनी। अरे तुम कब आ गए? छोड़ो ना मुझे, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? सारा सामान बिक गया क्या? सब बिक गया। अरे बैठ, तू, मैं बताता हूँ, बैठ। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले पकड़। हाँ, इतना सारा पैसा सब हमारा है? और नहीं तो क्या, सोन चंद्र का नहीं है इसमें? हाँ। और मेरे कंगन? लाया हूँ। अरे कंगन लाया हूँ, बहुत अच्छे हैं, चुन के लाया हूँ, तेरे हाथ में बहुत सजेंगे। दे अपना हाथ, अपना हाथ देना। अरे हाथ में धोके खाना खा लो, फिर देख लेंगे ना बाबा। नहीं, मैं पहले तुम्हें पहनाऊंगा, उसके बाद नहाने को जाऊंगा। ओहो, तुम भी बस। अरे हाथ चुन के लाया हूँ, देखो कैसा सजेगा। हाँ, हो गया। ये देख हाथ, देखो ये वाला। हाँ, अच्छे है ना? अरे बहुत अच्छे। अरे देखो देखो देखो, अरे कितनी परी जैसी लग रही है। अरे घंटे से सड़क पे क्या चल रहा है, इतनी देर से हॉर्न मारा सुना नहीं दे रहा? अरे नहीं, हरिदासपुर के लिए रास्ता कौन सा है ये मालूम कर रहा था। मैं नहीं जानता, गाड़ी एक तरफ लगा के किसी से रास्ता पूछ ले, अगले चौक में पूछना, सड़क के बीच में गाड़ी रोक के रास्ता पूछता है, है? मौसा ने कहा था इसी चौक से मेले का रास्ता है, मगर ये तो चौराहा है, कौन सा रास्ता मेले को जाता है? कोई दिखे तो पूछूं ना। ए भाई, रुकना। ए भाई, अरे सुनो, रुको भाई, रुको। हाँ रुकना, ये मेले को ये यहाँ से जा सकते हो तुम? हाँ, यहाँ से। बाप रे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं, और नहीं चल सकता मैं। हे मैया, बाबा रे बाबा। हे भाई, रुको, मुझे ले चलो, चल के थक गया हूँ मैं। कहाँ जाओगे? हरदासपुर को। इतना सामान लेके तो चल नहीं सकते, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आओ बैठो,
पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है, उसमें आराम से बैठकर जा सकते हो। ठीक है भैया, मैं उसी बैलगाड़ी में चला जाऊंगा, तुम जाओ। हाँ शुक्र है बैलगाड़ी आ रही है, अब तो हम बाल बाल बच गए। हाँ भाई, अपनी बैलगाड़ी में ले जाओगे मुझे? इतना सा सामान लेके मेले में जा रहे हो, कितना कमा पाओगे? मेले में जा रहा हूँ या मेले से लौट रहा हूँ? मेले से लौट रहे हो माने मेले का रास्ता पीछे रह गया? हाँ, जाना कहाँ है? मेले में, हरिदासपुर मेले में। देखो ये हरिराजपुर के लिए रास्ता है, हरिदासपुर मेले से आ रहा हूँ और जा रहा हूँ हरिराजपुर। ओह साइकिल वाला भी चला गया यार। मुझे उस गाड़ी वाले ने गलत रास्ता बता दिया शायद। ओह अब क्या करूँ? करोगे क्या, घर जाओ। तुम एक काम करो, मुझे जरा मेले का रास्ता बता दो। अब क्या जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, जब मेले में पहुंचोगे तो रात हो जाएगी, मेला तो शाम को ही खत्म हो जाएगा, ये तो सब बस एक ही दिन का मेला था। उस आदमी ने पता नहीं मुझे क्यों गलत बता दिया। नहीं उसने गलत नहीं बताया होगा, तुमने ही कुछ और पूछा होगा या कुछ और सुना होगा उसके मुंह से। नहीं उन्होंने मुझे चौराहे से इसी रास्ते पर जाने को बताया था। अरे भाई चौराहे पे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि यह हरिदासपुर का रास्ता है और यह हरिराजपुर का रास्ता। अरे पढ़ के नहीं आए क्या तुम? हाँ क्या दिखाई नहीं दिया या पढ़ने लिखने नहीं आता? समझ गया समझ गया, पढ़ने लिखने में दखल नहीं है शायद तुम्हारा। हा? बेकार में उसको क्यों दोष दे रहे हो तुम? हैं तुमने तो खुद ही हरिराजपुर को हरिदासपुर समझ लिया, ये ना होता तो क्या मैं उस साइकिल वाले को छोड़कर तुम्हारा इंतजार करता? जानते हो कि पढ़ नहीं सकता इसलिए रास्ता भटक गया, इतना क्यों सुना रहे हो? काम धंधा करूंगा तो दो वक्त खाना मिलेगा, पढ़ने के लिए समय कहाँ है? हम भी मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी समय निकाल कर दो अक्षर पढ़ना सीखा है मैंने। अब न किसी गाड़ी वाले से पूछना पड़े न ही वो गलत सलत रास्ता बता सके। अरे खुद पढ़ना लिखना जानते हैं, कोई हमसे दो कदम आगे कैसे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे जाएगा। लेकिन तुम पर जो भरोसा करेगा, मैं तो कहता हूं उसका तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक। बहुत कमाई कर ली। ए भाई अब एक काम करो, मेरी बात पे ध्यान देते हुए तुम निकल लो और मैं भी निकल लेता हूं अपनी गली। हा? हे प्रभु तेरे संसार में अलग अलग प्राणी है भैया। तुम अगर दो अक्षर पढ़े होते तो अपने माल का सही दाम वसूल कर सकते, जैसा भी ये चल रहा है ये मूर्खों वाली बात है। देखना एक दिन तुम मेरे ही पास आओगे। कुनी की माँ, मैं हूं। इतनी देर कैसे हो गई? हरिदासपुर क्या बहुत दूर है? ए जी इतने चुप चुप से क्यों हूं?
क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बिका। मास्टर जी उस दिन ठीक कह रहे थे। उनका कहा मानकर अगर दो अक्षर पढ़ लिए होते तो ना आज गलत रास्ते पर चला जाता और ना ऐसी खाली हाथ वापस आ जाता। मैं रास्ता भटक गया। मुझे पता था, निकलते वक्त बच्चे ने टोक दिया था ना। बच्चे को दोष क्यों देती हो? मैं पढ़ लिख नहीं पाया, रास्ता भटक गया, सब दोष मेरा है। अब क्या होगा? इतना सारा सामान अब कौन लेगा? किसी को लेने की जरूरत नहीं, मैं खुद बेचूंगा और उसी मेले में बेचूंगा। पढ़ाई न करके जो गलती मैंने की है वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो बस देख कल से मैं क्या करने वाला हूं।